Now what's that? My dear friends, good morning, good evening and good afternoon. Today start biology, chapter sexual reproduction in flowering plant, class 12th. तो क्लास 12th की हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और बात हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की करने जा रहे हैं, इसलिए एट द फर्स्ट टाइम वी स्टडी ऑफ कंप्लीट फ्लावर। हम लोग जो है कंप्लीट फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं, तो बनाते हैं एक कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम। कोई भी फ्लावर कब कंप्लीट होगा इसकी बात हम लोग करते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर तभी होगा जब इसके 4 ऑर्गन्स इसमें मौजूद होंगे। प्रेजेंस ऑफ 4 पार्ट आर 4 ऑर्गन्स। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं आपका 4th ऑर्गन्स, और 4th ऑर्गन्सों में से ये आपका स्टार्ट करते हैं लास्ट से। ये आपका हो गया 3rd। ऐसे ही आप डायग्राम इधर भी बना लेते हैं। ये हो गया आपका 3rd पार्ट, और बात हम करते हैं 2nd। 3rd की हो गई, अब इसके बाद करते हैं बात जो है 2nd की। तो ये हो गया आपके फ्लावर का 2nd पार्ट। और जस्ट लाइक अदर साइड, ये हो गया आपका 3rd पार्ट। और फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो ये हुआ डायग्राम में आपका फर्स्ट पार्ट। ये हमने बना लिया है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, व्हाट इज द कंप्लीट फ्लावर? स्पेशली 4 पार्ट यदि प्रेजेंस है फ्लावर में तभी ये कंप्लीट फ्लावर है। ये है आपका आउटर पार्ट, और इस आउटर वाले को हम फर्स्ट मान लेते हैं, और ये है आपका कैलिक्स। सेकेंड वाला है आपका, यहां इसको सेकेंड कह लेते हैं। ये हो गया आपका कोरोला। ये हो गया आपका 3rd पार्ट, जिसका नाम है एंड्रोशियम। और ये रहा आपका 4th पार्ट, जिसे कहा जाता है आपका गाइनोइसियम। इफ प्रेजेंस ऑफ 4 पार्ट एनी फ्लावर, देन फ्लावर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। यदि 4 पार्ट किसी फ्लावर में है तभी ये आपका कंप्लीट फ्लावर है। आउटर कैलिक्स, सेकेंड करोला, 3rd एंडोसियम, और 4th आपका गाइनीसियम। अब बात करते हैं हम कैलिक्स की। तो इस कैलिक्स की जो है, ये कैलिक्स है, और कैलिक्स की जो यूनिट है आपकी, ये है आपका सेपल। इसकी एक यूनिट की बात करेंगे सेपल है, इसकी एक यूनिट की बात है आप करेंगे तो ये होगा आपका पेटल। एंडोसियम के एक यूनिट की बात करते हैं हम, तो ये होगा आपका स्टीमेन। और यहां गाइनीसियम के यूनिट की बात करते हैं तो ये होता है आपका पिस्टिल, या इसे कहा जाता है आपका कार्पेल। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल, यूनिट ऑफ करोला इज कॉल्ड पेटल, यूनिट ऑफ एंडोसियम कॉल्ड स्टीमेन, एंड गाइनीसियम पिस्टिल आर कहा जाता है आपका कार्पेल। तो ये अलग अलग यूनिटों की, अलग अलग पार्टों की अलग अलग यूनिटें हैं। अब चलते हैं हम सबसे आउटर पार्ट, बात करते हैं फर्स्ट की। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये जनरली ग्रीन होगा। कैसा होगा? ऑलवेज हरा होगा, एक्सेप्ट आप किसी किसी में एपिकैलिक्स होगा, हम उसकी बात नहीं करते हैं।
हम बात करते हैं मेन फोर कंपोनेंट की, फोर पार्ट की, तो आउटर सबसे बाहरी वाला पार्ट ये जनरली फ्लावर का ग्रीन ही होगा और उसका नाम होगा कैलिक्स, जिसकी यूनिट है सेपल। अब बात हम करते हैं सेकेंड की, और ये सेकेंड वाला जो करोला है ये ऑलवेज होता है कलर्ड। अब ये आपका कलरफुल होगा, येलो होगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा, पिंक होगा, ये डिफरेंट टाइप के कलर्स होगा ये सेकेंड पार्ट किसी फ्लावर का। और बात अगर हम थर्ड की करते हैं तो ये होगा एंडोसियम स्टीमेन, जिसे आप कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका गाइनेशियम है। तो फोर पार्ट मिलेंगे तो आपका बनेगा कंप्लीट फ्लावर। ये है आपका सेपल, ये पेटल, स्टीमेन और कार्पेल, ये यूनिटें हैं। हाँ बात करेंगे सेपल है, ये अगर आपका एक दूसरे से फ्री है तमाम यूनिट ऐसे होंगे, हमने सिंगल वन बना लिया इधर इधर, तो अगर तमाम यूनिटें हैं आपस में कनेक्ट हैं, तो कनेक्शन अगर है आपस में कनेक्ट हैं, जुड़े हैं, तो नाम है आपका गैमोसेफलस। और अगर आपका फ्री है तो इसे कहा जाता है आपका पॉलीसेफलस, तो दो नाम रखा गया गैमोसेफलस एंड पॉलीसेफलस। हम यहां चले आते हैं, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं करते क्योंकि हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बात हम पहले करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड एंडोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड एंडोसियम। और बात करते हैं हम आप यूनिट की, तो यूनिट मिल गया आपका स्टीमेन। अब थोड़ा सा स्टीमेन के बारे में देख लेते हैं। यहां से हम यदि सेक्शन काट ले एंडोसियम का तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। ये हो गया आपका एंडोसियम, देख सकते हैं आप जस्ट लाइक यू। ये हो गया आपका स्टीमेन। स्टीमेन इज ए यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम। स्टीमेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ये आपका थ्री पार्टों में डिवाइड है। ये ऊपर वाला है जो आपका घुंडी की तरीके से पाया जाता है, इसे कहा जाता है आपका एंथर। ये आपका लोअर पार्ट है, इसे कहा जाता है आपका फिलामेंट। दोनों जहां कनेक्ट होते हैं इसका नाम है आपका कनेक्टिव। तो स्टीमेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ये आपका है डंठल स्टाल का है, जिससे ये परस्पर कनेक्ट रहता है। जहां से कनेक्ट है फिलामेंट और एंथर, इसका नाम है आपका कनेक्टिव। तो स्टीमेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। अब बात हम करते हैं एंथर की। एंथर के बीच में मिडिल पार्ट में एक लाइन है, इस लाइन को आप कहेंगे सेप्टा, बाई सेप्टा। एंथर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और ये जो आपका टू पार्टों में डिवाइड है इसका नाम है आप लिखते हैं, कहा जाता है पोलन सैक। क्या नाम है? पोलन सैक। और इस पोलन सैक में मेनी स्मॉल टाइप ऑफ पार्टिकल पाए जाते हैं, और इन पार्टिकल्सों का नाम है आपका पोलन ग्रेन। तो ये मिला हमें पोलन ग्रेन। अब ये आपका जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंडोसियम, ये है आपका स्मॉलेस्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब बात यदि हम करते हैं स्मॉलेस्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो हमें मिलता है पोलन ग्रेन। अब बात हम करेंगे पोलन ग्रेन की,
तो इतना तो हमें जानना है कि पॉलन ग्रेन प्रेजेंस इन पॉलन सैक ऑफ एंथर, ये जो आपका पॉलन ग्रेन है ये पॉलन सैक में ही आपके पाए जाते हैं और यहाँ ठूस ठूस के भरे होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, ए लार्ज अमाउंट पॉलन ग्रेन प्रेजेंस इन एंथर ऑफ स्टीमेन। तो ये है आपका पॉलन ग्रेन जो है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। अब इसका डेवलपमेंट वगैरह, इसका स्ट्रक्चर आगे देखते हैं कि ये कैसा है, स्फेरिकल टाइप का है, इसमें दो लेयर है, उन सब की बात हम आगे करते हैं। बट ये तो हुआ है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे ही हम सेकेंड की बात करते हैं जिसका नाम है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये है आपका गाइनेशियम। और गाइनेशियम के बाद हम यूनिट की करते हैं तो ये है आपका पिस्टिल आर कार्पेल। अंडप है आपका पिस्टिल है। अब इस एक गाइनेशियम की इकाई को हम देखते हैं, यूनिट को देखते हैं, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, जस्ट लाइक आपका, तो बात हम कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका गाइनेशियम, और गाइनेशियम की यूनिट है आपका कार्पेल आर पिस्टिल। ये है आपका फिगर पिस्टिल का या कार्पेल का। कार्पेल भी थ्री पार्टों में डिवाइड होता है, तो थ्री पार्ट में आपका डिवाइड है क्या कार्पेल। ये सबसे ऊपर चलते हैं, इसे कहा जाता है स्टिग्मा, यहां से यहां तक चलते हैं जो स्टाल्क टाइप है, इसे कहा जाता है आपका स्टाइल। और ये है आपका स्वेलिंग पार्ट, फूला हुआ पार्ट, जिसे कहा जाता है आपका ओवरी। तो आपका कार्पेल आर पिस्टिल डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट जस्ट लाइक स्टीमेन। ये आपका स्टीमेन की तरीके से तीन पार्टों में डिवाइड है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो जैसे ये है आपका एंथर कनेक्टिव फिलामेंट, वैसे स्टिग्मा स्टाइल और क्या है ओवरी है। ये आप थर्ड नाम जैसे जानते हैं एंथर है, कनेक्टिव है, और थर्ड है आपका फिलामेंट, ऐसे स्टिग्मा और स्टाइल क्या मिला ओवरी मिलता है। अब चलते हैं बात करते हैं हम ओवरी का। तो यहां जो आपका ओवरी मिल रहा है ये स्वेलिंग वाला पार्ट, इसके हम अंदर चलते हैं, ये देखिए। तो इसमें आपके इस लिनियर एक्सिस पर आपके ओव्यूलो का अरेंजमेंट है, ये आपका क्या है ओव्यूल है। यदि हम वन ओव्यूल बना ले, ये आप देखिए, यदि ऐसे हम मान ले, ये हो गया ओवरी। इसमें ओव्यूल कुछ इस प्रकार से हैं, ये आपका ओव्यूल हो गया, ये देखिए। ये जो आपका ओव्यूल है ये हो गया आपका ओव्यूल। ओव्यूल आफ्टर सम टाइप कन्वर्टेड इनटू सीड, ये आपका सीड में बदल जाएगा। और जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रूट में। तो डिफिनीशन बनाया गया कन्वर्टेड या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ओवरी का परिवर्तित रूप ही फ्रूट कहलाता है, और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी वाल कन्वर्ट होता है आपका फल भित्ति में, फ्रूट वाल में, पेरिकार्प में कन्वर्ट होता है आपका ओवरी वाल।
अब यहां अगर हम ओव्यूल को देख लें, ओव्यूल जहां पर पाया जाता है, जहां जिस भी अरेंजमेंट में ये सिचुएटेड होता है, इसे कहा जाता है आपका प्लेसेंटा। ध्यान देंगे, ये आपका ओव्यूल यहीं पर स्थित है, तो ये ओव्यूल का कहलाएगा प्लेसेंटा। क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा। और इसमें भी ऐसे डंठल पाया जाता, फिलामेंट पाया जाता है, और इसका नाम होगा आपका फ्यूनिकल। क्या है आपका? फ्यूनिकल। फिलहाल ये आपका जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल जो है इसी ओवरी में अरेंज होता है, व्यवस्थित होता है, और ये जिस क्रम में व्यवस्थित है यही आपका इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। तो व्हाट इज द इनफ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। तो यहां बात हमने किया है फ्लावर का, कंप्लीट फ्लावर हमें जानना है। तो कंप्लीट फ्लावर क्या है? जब किसी फ्लावर के फोर पार्ट हो, कैलिक्स, कैनोला, एंडोसियम एंड गाइनेसियम, फोर पार्ट है, तभी आपका क्या है? ये कंप्लीट फ्लावर है। और कंप्लीट फ्लावर को जानने के लिए, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने के लिए हम बात करेंगे मेल की, और ये मेल का है साइन, और बात फीमेल की करेंगे तो ये है फीमेल का साइन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका एंडोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका गाइनेसियम, यूनिट है स्टीमेन, यूनिट है कार्पेल, ये है आपका स्टीमेन और ये है आपका कार्पेल। बात करते हैं अगर हम स्टीमेन की, तो स्टीमेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, एंथर, कनेक्टिव फिलामेंट, एंथर अगेन डिवाइडेड इनटू टू लूप्स, ये आपके दो लूप्स हैं जो आपके सेप्टा के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे आपका पोलन सैक कहा जाता है। स्पेशली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट पोलन सैक जो है ये होता है आपका बाई लूप्ड। ये कैसा है? बाई लूप्ड होता है, क्योंकि इसमें दो ही चैम्बर पाए जाते हैं और इसमें आपके फुलफिल होते हैं पोलन ग्रेन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पोलन ग्रेन, जस्ट लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल आर क्रिस्टल स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। आप देख सकते हैं यहां पर आपका पोलन ग्रेन है और ये है आपका स्टिग्मा। तो ये हो गया स्टिग्मा और ये हो गया आपका पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन किसी तरीके से स्टिग्मा पर आ जाए तो यही इसका हो जाता है पॉलिनेशन। तो व्हाट इज द पॉलिनेशन? पोलन ग्रेन अटैच्ड विद स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया ही कहलाती है क्या? पॉलिनेशन। अब ये एनिमल के द्वारा जाता है तो एनिमल पॉलिनेशन, एयर के बाय एयर पहुंचा तो एयर पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू गया तैर करके तो नाम वाटर पॉलिनेशन। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, इन सब की बात हम लोग करते हैं। तो यहां हमने देखा कि कंप्लीट फ्लावर क्या है। कंप्लीट फ्लावर तब होगा जब ये चार पार्ट होंगे, और इनूटो को देख लीजिए, सेपल, पेटल, स्टीमेन, पिस्टिल। अगर ये आपका पुंकेसर है तो ये स्त्री केसर है, ये मेल है तो ये फीमेल है। अब आगे चलेंगे तो ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, और ये ओवरी कन्वर्ट होगा किसमें? फ्रूट में। अब हमें पता चल गया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टीमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका कार्पेल, और यही मेल और फीमेल कंबाइन करेंगे, फ्यूज्ड होंगे, और फ्यूजन के बाद कहलाएगा ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलवेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट टू गेमिट, वन मेल गेमिट, अदर फीमेल गेमिट, वन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्यूज्ड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाया गया, इसके थ्रू जितने फ्लावर हैं ये अपनी संख्या में ग्रोथ करते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत पुराने समय से फ्लावरों का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा मानव लाइफ में, ह्यूमन बीइंग में। कुछ जो है आभूषणों के रूप में यूज किया गया,
कभी कभी जो है सांस्कृतिक प्रोग्रामों में रखा गया। ये धर्म से रिलेटेड है विद रिलीजन्स, ऑर्नामेंटल एंड रिलीजन्स में यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स। हाँ एक चीज आप जानेंगे, यदि फ्लावरों की आप कीजिए खेती तो इसे कहा गया है आपका फ्लोरिकल्चर। क्या कहा गया? फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावरों को उगाना, इसका खेती करना, एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ द एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्लोरिकल्चर इज, तो ये है फ्लावरों का स्टडी कहलाता है। जैसे आपका एनिमल का स्टडी जूलॉजी है और प्लांट का स्टडी बॉटनी है और आपका इसमें तमाम डिवाइडेशन है, प्रोटोजोआ बनाया गया है ना, पूरी फेरा बनाया गया, वैसे इसमें है फ्लोरिकल्चर। तो आप जानिए फ्लोरिकल्चर तो शुरू किया गया है 12th बायोलॉजी और वो भी चैप्टर है आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्पेशली हम फ्लावर की बात करते हैं।